और जी ये मैं लाई हूँ अपनी डायरी, क्योंकि हमारी इफ्तारी रेडी। अस्सलाम वालेकुम जी। और जी स्टार्ट हो चुका है हमारा खूबसूरत सा दिन। आज अल्हम्दुलिल्लाह पांचवा रोज़ा हो गया है। बस एक पारा रोज़ पढ़ पाती हूँ सब चीज़ों के साथ साथ। बहुत सारे ना पढ़कर थोड़ा पढ़ो और समझ कर पढ़ो, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही करना भी चाहिए। हर रोज़े में डेली एक पारा पूरा होना है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको एक साथ तो नहीं पढ़ पाती हूँ। एक साथ बैठी और एक साथ पढ़ लिया तो एक साथ तो नहीं पढ़ पाती हूँ, थोड़ा कभी पढ़ लिया थोड़ा कभी पढ़ लिया, इस तरह से करके। चलो फिर अभी देखते हैं किचन में क्या करना है और फिर बताते हैं आपको। और जी हम आ गए किचन में। ये आलू गोश्त बनने के लिए गोश्त उधर धुलने को रखा है और इधर बस कुकर चढ़ा दिया, जल्दी हो रही है। इसमें सरसों का तेल और प्याज बस काट के डालती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। अभी कोई मसाले भी ऐड नहीं किए हैं इसमें। और जी ये मैंने चीनी पीस ली है। चीनी को पीस के रख लो तो आसानी हो जाती है रोज़े के टाइम पे, तो वैसे ही अफरा तफरी सी हुई भी होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सी चीनी पीस कर रख लेती हूँ, तो इसको घोलना नहीं पड़ता है बार बार, क्योंकि चीनी घोलने में बहुत टाइम जाता है। और जी ये चीनी देखो अभी ये ना आसानी हो गई ना, बस इसमें रोबसा ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे और बन जाएगा शरबत। और जी ये हो चुकी है हमारी इफ्तारी रेडी, और सालन भी तैयार हो गया आलू गोश्त, लेकिन वो खाना खाएंगे नमाज पढ़ने के बाद। और जी रोज़े के बाद की ये चाय हमारी हो गई है रेडी। मैं बर्तन धोने में लगी और ये चाय निकल के बाहर आ गई थी, बाहर तो नहीं आई थी, मैंने रोक लिया था उसको कि बहन तू अंदर ही रुक जा, जब तक चाय ना पियो तो सफर ही नहीं आता है ना। रोज़ा पूरा तभी होता है जब चाय मिल जाए। और जी चाय हमारी हो गई है रेडी। चाय पिए बगैर सुकून नहीं मिलता, तो इसलिए चाय चाहिए होती है रोज़ा खोल के, नमाज पढ़ के, और चाय ज़रूर चाहिए होती है। और जी ये है मेरी नमाज की जगह, जहाँ मेरी जानमाज बिछी रहती है। बस इतनी जगह मैंने अपनी नमाज के लिए बना रखी है। और अब हो चुकी है ईशा की अजान, चलते हैं नमाज की तैयारी करते हैं। और जी मुझे कुछ थोड़ा भी लिखने का काम है अपना, मैं लिखने का काम निपटा लूँ फिर उसके बाद में पढ़ते हैं नमाज। चलो चलते सामान लेने। अभी बजे रात के 11:30। और जी सामान तो ये हमने ले लिया, चलो चलते हैं घर पे ऊपर और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या मंगाया बच्चों ने। मुझे तो पता भी नहीं है क्या मंगाया बच्चों ने। ये क्या है? चलो जी चॉकलेट मूस बनेगा, कैसा बनेगा हमें तो पता नहीं कैसा बनेगा। और ये बच्चे पता नहीं कैसे बना रहे हैं, ये पनीर वनीर काट के क्या बनेगा, ये रेसिपी तो मुझे नहीं पता है। तो उसमें कितनी तरह की, कितने निकले इसके अंदर? इसमें तो होटल और जी बस ये बहुत छोटा सा व्लॉग बना पाई हूँ मैं, और इसका एंड लेते हैं यहीं पर। कल एक फिर नए दिन की शुरुआत होगी इंशाल्लाह। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।